हेलो बच्चों, आज जो मैं विषय लेकर आया हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में भर्ती आने वाली है 2022 में। बहुत जल्दी ही आने वाली है, 1-2 महीने में। तो उसका क्या सिलेबस होता है, उसके में कैसे प्लानिंग करनी चाहिए, कौन कौन से उसमें विषय आते हैं, इसको जगह हम चर्चा करते हैं। तो यूपी पुलिस विभाग में 2 तरह से भर्ती निकलती हैं, एक तो कॉन्स्टेबल की और एक सब इंस्पेक्टर की। जैसे कि आप जानते होंगे, कॉन्स्टेबल को हिंदी में आरक्षी कह देते हैं और सब इंस्पेक्टर को कह देते हैं उपनिरीक्षक। हालांकि दोनों में जो विषय हैं समान ही हैं, बस फर्क होता है थोड़ा सा लेवल का। जो सब इंस्पेक्टर की परीक्षा होती है उसका लेवल थोड़ा सा अच्छा माना जाता है इन कंपैरिजन टू कॉन्स्टेबल की जो परीक्षा होती है उससे। हालांकि ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता, फिर भी थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता ही। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इन दोनों परीक्षाओं में, चाहे वो परीक्षा कॉन्स्टेबल की हो या वो सब इंस्पेक्टर की हो, कौन कौन से विषय आएंगे। तो इसमें मैथमेटिक्स आता है, रीजनिंग आता है, जनरल स्टडीज आता है और एक लैंग्वेज आएगी, वो आएगी हिंदी। जितने भी उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के जो एग्ज़ाम होते हैं या उत्तर प्रदेश राज्य के एग्ज़ाम होते हैं, उनमें अगर कोई भाषा आती है तो हिंदी ही आती है। और उत्तर प्रदेश से जब बाहर जाएंगे, किसी सेंटर की भर्ती होगी या दिल्ली की भर्ती होगी, तो अगर वहाँ कोई लैंग्वेज आनी होगी तो वहाँ इंग्लिश आएगी। फिलहाल हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की, तो यहाँ हिंदी एक अनिवार्य विषय है। तो इस तरह से हमारे 4 विषय हो गए हैं। गणित हो गया है, यानी कि मैथमेटिक्स, रीजनिंग हो गई है, तर्कशक्ति, जनरल स्टडीज हो गया है, सामान्य ज्ञान, और चौथा हो गया है हिंदी। अब पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश कॉन्स्टेबल की। उत्तर प्रदेश कॉन्स्टेबल में जो कुल क्वेश्चन आते हैं टोटल, वो 150 क्वेश्चन आते हैं, जिसे करने के लिए हमें 120 मिनट का समय मिलता है। यानी कि 2 घंटे में 150 क्वेश्चन करने होते हैं। इसमें 38 क्वेश्चन जो आते हैं वो तो आते हैं सामान्य ज्ञान से, 38 क्वेश्चन ही आते हैं मैथमेटिक्स से, 37 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग से और 37 क्वेश्चन आएंगे हिंदी से। इस तरह से जब आप टोटल करेंगे तो ये 150 क्वेश्चन बैठ जाएगा, 150% बैठ जाएगा। और 1% जो होता है वो 2 नंबर का होता है, तो 150 क्वेश्चन जो आप हो जाएंगे आपके 300 नंबर के हो जाएंगे। इस तरह से यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल की परीक्षा होती है 300 नंबर की, 150 क्वेश्चन जो हमें 120 मिनट में करने होते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये तो मैंने अभी आपको बताया कि यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल में क्या क्या सब्जेक्ट आने हैं और इसमें किस तरह से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। जब हम यूपी पुलिस SI की बात करते हैं, सब इंस्पेक्टर यानी उपनिरीक्षक की बात करते हैं, तो क्वेश्चन हो जाते हैं टोटल 160। कॉन्स्टेबल में 150 क्वेश्चन थे, यहाँ हो जाते हैं 160। और यही विषय आएंगे, मैथमेटिक्स आएगा, रीजनिंग आएगी, जनरल स्टडीज आएगी और हिंदी आएगी। बस हर एक सेक्शन से 40-40 क्वेश्चन आने हैं, 40 मैथमेटिक्स से, 40 रीजनिंग से, 40 जनरल स्टडीज से और 40 हिंदी से। समय यहाँ भी आपको 2 घंटे ही मिलेगा, ठीक। तो ये थोड़ा सा अंतर मैंने बताया आपको। समानता किसमें है, विषयों में लेकर है। बस प्रश्न जो है यहाँ पे कॉन्स्टेबल में कितने थे, 150% थे, जबकि SI में कितने थे, 160। कॉन्स्टेबल में 1% जो था 2 नंबर का था, यहाँ पे 1% होता है 2.5 नंबर का। तो अगर 160 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये आपके बैठ जाएंगे 400 नंबर का पेपर बैठ जाएगा, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ये जो रिटर्न एग्जाम है, ये तो हमारा हो गया। रिटर्न एग्जाम के बाद जो है डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाता है। और उसके बाद जो है, एक तो होता है एग्जाम PST और एक होता है PET। तो जो PST होता है, ये होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कह सकते हैं, शारीरिक मानक परीक्षण बोल देते हैं हिंदी में। तो PST में क्या होता है, PST में होता है कि भाई एक कॉन्स्टेबल की रैंक के लिए बच्चे की इतनी हाइट होनी चाहिए, अगर कोई लड़की है तो उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए, जो छाती है वो इतनी होनी चाहिए फुला के या बिना फुलाए। ये जितने भी परीक्षण होते हैं वो सब PST में होते हैं, जिसे आप फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या शारीरिक मानक परीक्षण कहते हैं, ठीक। दूसरा मैंने भी नाम लिया था PET। PET का मतलब होता है फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट भी कह देते हैं इसे, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट भी कह देते हैं, यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षण हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो। तो इसमें आप देखते हैं कि जब हम शारीरिक परीक्षा देते हैं तो उसमें दौड़ भी होती है, तो जो लड़के हैं उनके लिए दौड़ इतनी होनी चाहिए, लड़कियों के लिए दौड़ इतनी होनी चाहिए, कोई अनुसूचित जाति का है तो उसकी दौड़ इतनी होनी चाहिए, ठीक। और लॉन्ग जंप इतनी होनी चाहिए, हाई जंप इतनी होनी चाहिए, जो आई साइट है उसका पैमाना ये होना चाहिए। तो ये जो सब मेजरमेंट होते हैं, ये सब होते हैं PET के अंतर्गत। तो इस तरह से हमारे 4 राउंड हो गए एक तरह से। सबसे पहले आपका रिटर्न एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद फिर अगर आप उसमें से अच्छे क्वालिफाई हो जाते हैं तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा,
फिर पीएसटी होगा, फिर पीईटी होगा, और इन चारों के आधार पर आपकी भर्ती जो है संपूर्ण मानी जाती है, और जो बच्चे अच्छे हैं डेफिनेटली उनका नंबर आ जाता है। तो ये तो मैंने अभी आपको ये बताया कि किस विषय में कितने क्वेश्चन आने हैं, क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। अब रही बात तैयारी की, तो यहाँ मैं थोड़ा सा अपने पास से जोड़ना चाहूँगा कि जो मैथमेटिक्स है और जो रीजनिंग है और जो जनरल स्टडीज़ है, वो तो बच्चे और एग्ज़ाम की भी तैयारी करते रहते हैं। मतलब एसएससी करेंगे या रेलवे करेंगे या एयरफोर्स करेंगे जो नॉन टेक्निकल होता है, तो उनमें सभी में ही मैथमेटिक्स भी आता है, रीजनिंग भी आता है, जनरल स्टडीज़ भी आता है, ठीक। लेकिन यहाँ थोड़ा सा जब हम यूपी पुलिस की बात करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है, जब आप सामान्य ज्ञान करें, जनरल स्टडीज़ करें, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संविधान तो सब आएंगे ही आएंगे। यहाँ पे जब हम कॉन्स्टेबल की बात करते हैं या एसआई की भी बात करते हैं, तो जो उत्तर प्रदेश जो सेक्शन है, उत्तर प्रदेश का जो सामान्य ज्ञान है भाई, यहाँ कितने स्टेट हैं, है ना, उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है, पश्चिमी जिला कौन सा है, उत्तरी जिला कौन सा है, दक्षिण जिला कौन सा है, ऐसा कौन सा जिला है जो चार राज्यों को टच करता है, कौन से राज्य से सबसे ज़्यादा यूरेनियम निकलता है, कौन से राज्य से सबसे ज़्यादा कोयला निकलता है, कौन से राज्य में ये भाषा बोली जाती है, कौन से राज्य में ये लोक नृत्य होता है, तो जो उत्तर प्रदेश की जानकारी है ये भी हमें जुटानी पड़ेगी, एसआई के लिए भी और कॉन्स्टेबल के लिए भी। इसका आप ध्यान रखें, बाकी जो मैंने बताया ये सब्जेक्ट से चले गए हैं, इसका आप स्पेशल ध्यान रखें। दूसरा जो ये मुख्य विषय है हिंदी है। होता क्या है कि जब हम किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसमें सबसे पहले मैथमेटिक्स में हमारा रुझान ज़्यादा होता है, हम अच्छे भी होते हैं तो हम उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं। रीजनिंग आसान होती है, मतलब इस एग्ज़ाम के लिए भी आसान ही होती है और इसकी भी हम तैयारी करते रहते हैं। जनरल स्टडीज़ भी हम अवेयर रहते हैं जनरल स्टडीज़ को लेकर, सामान्य ज्ञान को, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लापरवाही देखने को मिलती है वो मिलती है हिंदी में। कारण ये है कि दिमाग ये कहता है कि भाई हिंदी तो अपनी मातृभाषा है, तो अगर ना भी कर पाए तो थोड़ा बहुत तो वैसे भी हम कर लेंगे। लेकिन बच्चों थोड़ा बहुत करने की एक अलग बात होती है, और परफेक्शन लेना एक अलग बात होती है, मेरिट में नंबर लाना एक अलग बात होती है। तो हिंदी को भी आप पूरी तरह से ध्यान दें, जितने भी व्याकरण है, कारक हो गया या सर्वनाम हो गया, संज्ञा हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया विशेषण हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, जितने भी आपका व्याकरण पार्ट है उसे बहुत अच्छी तरह से समझें, अच्छी तरह से पढ़ें। दूसरा जो शब्द विचार है, यानी कि अनुलोम विलोम हो गए शब्द आपके, और आपका समानार्थी शब्द हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए, तो जितने भी शब्द विचार हैं उनका आप ध्यान रखें। उसके बाद फिर वो पद्यांश और गद्यांश आएंगे, वो भी हो ही जाते हैं अगर आपकी व्याकरण पे और शब्द विचार पे, जो विलोम शब्द वगैरह, तत्सम, तद्भव, इन शब्दों पर अगर आपकी पकड़ है अच्छी तरह से, तो वो भी बहुत कुछ अच्छा ही हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि हिंदी को भी आप युद्ध स्तर पे तैयारी करें इसकी। इसे आप इस तरह से ना देखें कि भाई हिंदी तो अपनी मातृभाषा है, हो ही जाएगी, क्योंकि होने से काम नहीं चलेगा, मेरिट में नंबर लेके आना, ठीक। ये मेरा मैसेज था आपको। दूसरा, जब हम यूपीएसआई की बात करते हैं तो उसमें सामान्य ज्ञान के साथ साथ मूल विधि भी आती है। मूल विधि आएगी तो उस मूल विधि से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, उसका बहुत ध्यान रखना जरूरी है। तो मूल विधि जो धाराएं होती हैं पुलिस महकमे में, कि भाई इस धारा के अंतर्गत ये होता है, धारा के अंतर्गत ये होता है, उसे मूल विधि कहते हैं। और जो संविधान होता है वो तो भारत का जो संविधान है वही होता है। तो ये थोड़ा सा मैंने अंतर बताया आपको, और अब जो है भर्ती आने वाली है, तैयारी शुरू कर भी दी होंगी आपने, और हमेशा की तरह मैं कहूँगा कि सब्जेक्ट पे पकड़ बना के चलें, स्पीड पे काम करें, एक्यूरेसी पे काम करें, स्पीड टेस्ट पेपर निकालें, और कोई भी प्रॉब्लम है तो अपने टीचर से पूछें, और डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम लेकर आए उनके सामने, ताकि वो ज़्यादा ज़्यादा आपकी हेल्प कर पाएँ। ऐसा ना करें कि जो भी कराएगा वो टीचर ही कराएगा, आपका सबसे पहला कर्तव्य है कि आपको आगे आना है। टीचर के सामने प्रॉब्लम रखें, 5-5, 10-10, 20-20, 30-30, और ज़्यादा ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करें, ठीक। तो ये इस तरह से आप प्लानिंग करेंगे इस एग्ज़ाम की, तो मुझे उम्मीद है कि आप सफल हो जाएंगे, और मेरा ध्येय यही है कि कहीं ना कहीं मेरे शब्दों से किसी ना किसी का कुछ परिवर्तन हो, और कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ जुझारूपन उत्पन्न हो और वो अपना तैयारी करने लग जाए। बस आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। थैंक यू वेरी मच।